हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने हमारे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें पानी को लेकर बहुत समस्या होती है। उसमें अक्सर दो तरह की समस्या हमारे सामने आती है, उन दोनों का जिक्र मैं आपको करने वाला हूँ। पहली समस्या ये आती है कि हमारा जो पानी निकालने वाला पाइप होता है उसमें से पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है जब हमारा स्विच बंद होता है, ठीक दोस्तों। और दूसरी समस्या आती है और हमारा स्विच बंद होता है फिर भी जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा या थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता रहता है। और उसमें कई बार ये भी होता है कि हमारा जो कपड़े सुखाने वाला टब होता है उसके अंदर भी पानी भर जाता है, तो ये अक्सर हमने देखा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो दोनों तीनों बातें आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने मशीन का पीछे की साइड का जो ढक्कन होता है, बैक कवर, वो खोलना है। उसके बाद जहाँ पर ये जो रस्सी आपको दोस्तों नज़र आ रही है, ये रस्सी आपको खोलनी, रस्सी नज़र आ रही होगी वहाँ पर एक इस तरह की कैप दी होगी, वो कैप आपको इस तरह से खोलनी है। वहाँ पर इस तरह देखिए लॉक दिए हुए होंगे, वो तीनों लॉक को आपको खोल के, या आपकी मशीन चार लॉक भी हो सकते हैं, हो सकता है ये जो ढक्कन आपका जो है चूड़ी वाला भी हो सकता है, इसे आपको घुमा करके खोलना पड़े। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा कचरा फंसा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, जिस वजह से हमारी मशीन में से जो है पानी बाहर नहीं आ रहा था, यही वह कारण था जिससे हमारी मशीन का पानी बाहर नहीं आता है, ठीक है। अब इसको जो अच्छे से क्लीन करना है, और मशीन अगर पानी तब भी टप टप पानी बाहर आता है या स्पिन वाला टप बहुत ज़्यादा भर जाता है पानी से, तब भी उसकी यही समस्या होती है। इन दोनों तीनों बातों का निपटारा करने के लिए हमें यहाँ से पीछे का ये जो पाइपलाइन होती है वह साफ़ करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। इस यह जब भी आप इसको क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे, आपकी मशीन में से पानी बाहर आना बंद हो जाएगा। और अगर पानी बिल्कुल भी नहीं आता है तब भी आपको जो है इस तरह से पीछे का ये जो होता है कोक रबड़ मेरे हाथ में, ये आपको जो है ये कचरे से भरा हुआ होगा, इसको आप अच्छे से साफ़ करना है। और कई बार होता है दोस्तों ये जो कोक रबड़ है वह भी ख़राब हो जाता है, यह फट जाता है या चूहे कुतर देते हैं, तब भी इसमें से जो पानी अपने आप ऑटोमेटिक निकलता रहता है। हम या स्पिन वाला टब होता है, कपड़े सुखाना वाला टब होता है, उसके अंदर पानी भर जाता है, उसका भी यही कारण होता है, क्योंकि यह कोक रबड़ जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, काला काला रबड़ देख रहे हैं, यह रबड़ ख़राब होता है। इसमें दो तीन समस्या होती है, एक तो कचरा फंस जाता है, ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा जो है इसका रबड़ भी ख़राब हो जाता है, जिस कारण से जो है हमारे मशीन से पानी निकलता रहता है, ठीक है। उसके लिए आपको जो ये रबड़ बदल देना है और अंदर की अच्छे से सफाई कर लेनी है। अगर आपका हाथ अंदर तक नहीं जाता है, ठीक है, तो आप किसी तरह का कोई तार, या मेरे हाथ में देखें एक आरे की पत्ती है, ठीक है, इस तरह की कोई भी आप लचीली चीज़ लेकर के अंदर से जितने भी गंदगी हैं वह पूरी साफ़ कर दें, ठीक है दोस्तों। हो सके तो आप इसको जो है आपके घर में कोई भी कोई हारपिक हो, ठीक है, वह भी आप इसमें पानी में डाल करके अच्छे से क्लीन कर देंगे, तब भी आपकी मशीन पूरा पाइप अच्छे से साफ़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें जो है यह जो अंदर से क्लीन किया है, थोड़ा बहुत पानी डाल करके थोड़ा बहुत कचरा इसका बाहर निकालेंगे, जिस तरह से आपको देखिए दोस्तों वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरह से हम जो पूरी इसकी लाइन जो है क्लियर कर लेंगे, पूरा अच्छे से साफ़ करके। हमने इसके अंदर एक डब्बा पानी डाला है जिससे हमारी लाइन पूरी क्लियर हो चुकी है, ये देखिए तो हाथ से हम सफाई कर रहे हैं, पूरा आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी मशीन का जो ये ड्रेनेज पाइप है, ड्रेनेज सिस्टम है, सही हो चुका है, एकदम क्लियर हो चुका है, इसमें किसी तरह का कचरा नहीं है। फिर भी आपको कुछ कचरा वगैरह लगता है तो आप इसको क्लीन कर लें। अब उसके बाद यह जो हमारे पास में कोक रबड़ है, काला रबड़, उसको आप डब्बे में डाल के इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा इसके अंदर थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है तो वह परेशानी का सबब बन सकता है। इसके लिए हमें इसको अच्छे से साफ़ करना है। अगर हो सके तो आप इसको नया लगा दें तो आपकी ये जो समस्या है पानी बाहर आने की या स्पिन में भर जाने की, ठीक है, वह भी आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद यह पानी हम इसी पाइप में डाल देंगे जिससे हमारी लाइन जो है पानी निकलने वाली आउटलेट पाइप है वह एकदम क्लियर हो जाएगी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमने बचा हुआ पानी ऊपर डाल दिया है वॉश टब में। इसके अलावा भी आपके कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी पूरी कोशिश की जाएगी। अब इसके बाद हमें सिंपली हमने जिस तरह से इसको खोला था
वह कवर उसी तरह से आपको लगा देना है। अगर आपके चार लॉक हैं तो चारों लॉक लगाने हैं। अगर ये ढक्कन एक्चुअल में दोस्तों चूड़ी का भी आता है, आपको उसको गोल घुमा करके खोलना पड़ता है। वह अगर आपके गोल घूमने वाला है तो गोल घूम के भी इसको आप खोल सकते हैं। अगर बोल्टू लगे हुए हैं तो आपको बोल्टू खोलने हैं। मतलब हर मशीन में अलग अलग मॉडल में अलग अलग ये इसका डिफरेंस हो सकता है। वह डिपेंड करता है आपके पास मशीन कौन सी है। बाकी सबका प्रोसेसर, सबका रिपेयरिंग करने का तरीका यही होता है। इसी तरह से इसको क्लीन किया जाता है। बस तरीका जो है खोलने का, लगाने का अलग अलग हो सकता है। बाकी यही समस्या इसके अंदर आती है। अब एक बार जो है हम इसको पैक करने के बाद इसके अंदर पानी डाल करके और मशीन को चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने मशीन को चालू कर दिया है। इसके अंदर हम एक थोड़ा बहुत पानी डालते हैं और मशीन को चला करके देखते हैं। अभी हमारा मशीन का ड्रेन जो बटन है अभी ऑफ कंडीशन में है, हमने ड्रेन को चालू नहीं किया है। इसके अंदर मशीन में यही समस्या थी कि पानी जो है ऑटोमेटिक जो है बाहर निकल रहा था। स्विच बंद किए भी पानी बाहर निकलता था। अभी हमने लाइन जैसे ही क्लियर किया है तो वह समस्या दूर हो चुकी है। अब इसमें किसी तरह की जो है बाहर पानी नहीं आ रहा है। अगर हम मशीन के नीचे की तरफ देखते हैं तो इसमें भी कोई तरह का पानी लीकेज नहीं हो रहा है। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।